सो फाइनली गाइस यार हम लोग भाई आ चुके हैं यहाँ पे बर्गर खाने के लिए। अरे रामू काका जल्दी से भाई यहाँ पे 1 2 3 4 बर्गर लगा दीजिए। आई लव फ्रैंकलिन, क्या हो गया, तुम नहीं खाओगे क्या? एक सेकंड, गिनती में गलती हो गई क्या? 1 2 3 4 5 अरे हाँ 5 बना दीजिएगा। मैं तो भाई अभी गलती कर जाता, मैं तो अपना छोड़ ही देता। अरे यार अच्छा हुआ स्पाइडरमैन तूने बता दिया। अरे ठीक है भैया जी, हम 5 बर्गर बना देते हैं, चिंता ना करें। अरे चिंता करने क्या बात है, आपका बर्गर हमेशा फर्स्ट क्लास ही होता है। और इस बार पैसे कौन निकाल रहा है जल्दी बताओ, मैं पैसे नहीं देने वाला, मैं पैसे लेके नहीं आया हूँ। फ्रैंकलिन लेकिन हम लोग को तो तुम ही लेके आए हो, इसका मतलब तुम्हें ही पैसा देना पड़ेगा ना। आइला हाँ मैं अपना पता है कॉलेज छोड़ के आया हूँ तुम्हारे फ्री के बर्गर खाने के लिए, तुम्ही को पैसा देने पड़ेंगे। हल पैसा नहीं देगा, हल को बोलेगा पैसा देने तो हल को से छोड़ेगा नहीं। अरे यार ये लोग तीनों ने तो मना ही कर दिया पैसा देने। कैप्टन अमेरिका प्लीज तुम ही दे देना भाई, चिंता ना करो मैं पैसा दे दूंगा। अरे भैया जी कितने हो गए? पूरे पूरे 500 रुपए दे दीजिए, 500 कड़क नोट निकाल के। भाई साहब महंगाई कितनी बढ़ गई है, मतलब कि 500 रुपए का 5 बर्गर, सोचो गाइस यार 100 रुपए का 1 बर्गर। भाई साहब लॉस सेंटोस में तो लूट मचा के रखा ये लोग ने तो। चिंता ना करो फ्रैंकलिन मैं दे देता हूँ, ये लीजिए भैया जी 500 पकड़िए। अरे भैया जी ये नहीं चलेगा, ये तो आप कौन सा 100 साल पुराने वाला नोट दे रहे हैं, मुझे इस जमाने का लॉस सेंटोस वाला नोट चाहिए, अभी वाला। अरे यार मैं तो भूल ही गया था। अरे कैप्टन अमेरिका तू पैसा मत दे, और एक काम कर जो पुराने जमाने का ना पैसा है ना वो जला दे और तोड़ दे भाई, वो सब पैसा नहीं काम आता, पता नहीं क्यों लेके घूम रहा है। गाइस ये चारों के पास है, किसी के पास भी पैसा नहीं है, मुझे ही पैसा देना पड़ जाएगा। अरे भैया जी चिंता मत करिए मैं पैसा देता हूँ। भाई कैप्टन अमेरिका इतना आसानी से 500 रुपए दे रहा था, और भाई 100 साल पुराने वाला 500 रुपए दे रहा था। अरे यार कैप्टन अमेरिका धत तेरी के। चलो यार आराम से बर्गर खाते हैं। चलो गाइस यार फाइनली हम लोग ने बर्गर खा लिया, चलो रामू काका बाद में मिलते हैं। अरे भैया जी हम आपसे बात करना चाह रहे थे, आप लोग तो इतने शक्तिशाली हैं, सभी चीजों को उठा पटक सकते हैं, तो मेरा एक शिकायत है। पता है बहुत दूर में एक घर है जो यार भूतिया घर है, अगर आप वो घर में जाकर के एक फोटो खींच लाए तो मैं अपना इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा ना जी, क्योंकि वो भूतिया घर बहुत ही पुराना है और खंडर है, आप लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, मेरे लिए एक फोटो खींच के ले आइएगा। एक सेकंड भाई साहब मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, ऊपर से भाई ये हमें वहां भेजना चाहता है फोटो खिंचाने के लिए, पागल है क्या, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। अरे एवेंजर्स चलो यार चुपचाप घर चलते हैं, घर में जाके टीवी देखेंगे। आई लव फ्रैंकलिन, सोचो वो भूतिया घर में जाने में कितना मजा आएगा, और वैसे भी आज रात में चलते हैं मजा आएगा, एकदम हॉन्टेड फील आएगा, फोटो भी खींचेंगे इंस्टाग्राम में डालेंगे भी। अबे पागल स्पाइडरमैन अगर भूत दिख गया ना कसम से तू ही सबसे पहले दुम दबा के भागेगा, क्या बोल रहा है। अरे आयरन मैन तू भी समझाओ इसे। फ्रैंकलिन स्पाइडरमैन सही तो कह रहा है, अगर वो घर इतना ही हॉन्टेड है और भूत है तो चलो चल के देखते हैं, ऐसे भी हम लोग अवेंजर्स है, हम लोग किसी से डरते हैं के? अरे यार ये दोनों के दोनों को हो क्या क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई हल्क तुम ही समझा दे। हल्क भी जाएगा, हल्क भूत से नहीं डरता। अरे यार भाई साहब ये लोग को समझ आ ही नहीं रहा, और कैप्टन अमेरिका भी जाएगा, ये तीनों जा रहे तो भाई साहब लगता है आज हम लोग का बैंड बजने वाला। गाइस यार सबसे पहले आप लोग यार देख लो, हम लोग भाई भूतिया घर में जाने वाले, अगर हम लोग वापस ना लौटे ना तो प्लीज पुलिस को बुला लेना। ए बर्गर वाले तुम्हारे चक्कर में आज हम लोग मर गए ना तो देख लेना क्या होगा। आई लव फ्रैंकलिन तुम डर रहे हो, अरे इतने बड़े होकर के फुद्दू हो क्या, डर जो रहे हो। छी छी फ्रैंकलिन छी छी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी सी बात में डर जाओगे। छी फ्रैंकलिन तुम डर रहे हो, तुमने तो अवेंजर्स के दोस्त लोग का नाम बर्बाद कर दिया। एक सेकंड मैं डर रहा हूँ। चलो यार सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा और देख लेना अंदर से फोटो भी खिंचा के आऊंगा। चलो चलो जल्दी चलो, ये रही हमारी गाड़ी, आ जाओ गाड़ी में बैठो। चलो यार शहर के पास जाते हैं वो घर के ये भूतिया घर के पास, और देखते पता नहीं कौन सा भूत है, आ जा जल्दी गाड़ी में बैठ। सो गाइस यार सब लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, चलो यार वो भूतिया घर के पास चलते हैं। तुम लोग ने मेरी खिल्ली उड़ाई और मुझे बेवकूफ और कमजोर कहा। गाइस यार एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा और देख लेना, मैं जाने के बाद अंदर जाके फोटो भी खिंचा लूंगा, और भाई उसके बाद बाहर आके तुम लोग को दिखाऊंगा, और देख लेना सबसे बहादुर मैं ही हूँ। अरे फ्रैंकलिन तुम कर लोगे ना, अगर अंदर जाने के बाद तुम्हारी पैंट गीली हो गई तो मैं पैंट चेंज करने नहीं आऊंगा। आइला सर जी क्या जोक मारा है फ्रैंकलिन के ऊपर। एक सेकंड तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ और मैं इतना भी भूतों से नहीं डरता। भाई साहब ये लोग को क्यों लगता है मैं भूतों से डरता हूँ। अरे भाई मैं भूतों से नहीं डरता, देख लेना कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा और वहाँ पे इसी तरीके से आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो गाइस यार जल्दी चलते। भाई यार वो हॉन्टेड हाउस ना शहर के थोड़े से दूर है, मतलब पहुँचते पहुँचते शाम तो हो ही जाएगी, चलो यार जल्दी से पहुँचते हैं। सो यार फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं। भाई देखो यार सूरज ढलने वाला है, और भाई वो रहा सामने में घर, बोला तो जा रहा है कि ये घर भाई बहुत ही 200 सालों से बंद पड़ा है, भाई साहब इसके अंदर जाएंगे कैसे। भाई यार ये घर तो मुझे बाहर से ही थोड़ा सा भूतिया टाइप का लग रहा है, अब करेंगे क्या। आइला क्या हो गया फ्रैंकलिन, डर गए क्या यहीं पे ही। एक सेकंड मैं नहीं डरता चाहे कुछ भी हो जाए। ही ही ही, लगता है कोई मेरे घर के अंदर घुसने वाला है,
तुम सब लोग आ जाओ, चलो काम करती हूँ, सबके लिए बिस्तर सजा देती हूँ, क्योंकि आएंगे तो दोबारा बाहर जा नहीं पाएंगे। ही ही ही। अरे यार मुझे भाई अंदर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। आइला क्या हो गया फ्रैंकलिन, अभी से डर गए अंदर नहीं जाओगे क्या? अरे फ्रैंकलिन तो है ही डरपोक। हाँ हाँ मुझे पहले से पता था, फ्रैंकलिन तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, अवेंजर से भी जाते, बट असलियत में तुम डरपोक हो। अंदर से जाओ और फोटो खींच के लेके आओ। अरे गाइस यार अब तो भाई अपने में बात आ चुके, अब तो यार अंदर जाना ही पड़ेगा। चलो गाइस यार फाइनली यार मैंने टॉर्च रख लिया है, अब चलो यार जल्दी से अंदर जाते हैं। भाई इसके आसपास ना कोई भी घर नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक घर है। भाई देख रहे हो भाई इसका दरवाजा तो खुला हुआ है। एक सेकंड भाई, अगर ये 20 साल से बंद है तो भाई इसका दरवाजा कैसे खुला हुआ है? भाई ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। एक सेकंड भाई अंदर में ये क्या, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई खा पी रहा था। भाई एक सेकंड भाई यहाँ पे पंखा भी चल रहा है और यहाँ पे कोई कुकिंग भी कर रहा है। भाई ये चल क्या रहा है, यहाँ पे तो खाना पीना पकाया जा रहा है। भाई इसमें मुझे क्या है, एक काम करता हूँ यहाँ पे आता हूँ भाई, चुपचाप यहाँ पे ना भाई फोटो खींच लेता हूँ। जल्दी से भाई फोन निकालता हूँ, एक सेल्फी खींचता हूँ जिससे भाई बाहर मैंने लोगों को दिखा पाऊँ। चलो यार जल्दी से फोटो खींचते हैं। एक सेकंड मेरे बगल में ये कौन है, भाई ये कौन है? एक सेकंड ये तो मुझे डरावने लग रही है। भाई यहाँ पे था कौन? यहाँ पे तो कोई तो था भाई, मैंने फोटो में देखा था कि भाई यहाँ पे कोई था, फोन में तो मुझे साफ नजर आ रहा था यहाँ पे कोई है। भाई यार अब मुझे डर लग रहा है सीरियसली, अगर कोई है यहाँ पे तो सच में मुझे बता दो भाई, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कोई मस्ती मत करो प्लीज यार। ऐसे भी यार यहाँ पे खाना वाना पकाया जा रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई है तो मुझे पक्का बता दो। भाई साहब यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, एक सेकंड वहाँ पे कौन है, चलो चेक करते हैं भाई यहाँ पे कोई है क्या। ही ही ही। एक आदमी को डाउन करने का समय आ गया, चलो मारती हूँ, कैसा लगा? एक सेकंड गाइस यार ये क्या हो गया, इसने तो मुझे मार डाला। भाई ये है कौन? ही ही ही। मैं हूँ ग्रैनी, अब बाकी सबकी भी बारी आ रही है। ही ही ही। ओ नो, ये फ्रैंकलिन इतना देर क्यों लगा रहा है, उसे तो कब का बाहर आ जाना चाहिए था और फोटो भी दिखा देना चाहिए था, पता नहीं अंदर जाके वो कर क्या रहा है। आइला सर जी मुझे लगता है अंदर जाके ना उसे वो भूत मिल गई होगी, इसीलिए उसके साथ डर के भाग गया होगा। एक सेकंड ऐसा थोड़ी ना होता है, एक काम करो स्पाइडरमैन अंदर जाओ और अंदर जाके पता करो फ्रैंकलिन कर क्या रहा है। फ्रैंकलिन पता नहीं कोई चोरी चमारी तो अंदर जाके नहीं कर रहा, जाके चेक करो। आइला हाँ आयरन मैन सर जी मैं अभी जाता हूँ और जाकर के अंदर चेक करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन कहाँ चले गए, अंदर जाकर के छुप गए क्या, बाथरूम चले गए, डर गए क्या भूतनी से? अरे चलो अंदर जाता हूँ। अरे बाप रे इसका घर तो बहुत ही टूटल फूटल है, देख लो दोस्तों, लेकिन हर जगह चेयर है, ऐसा लगता है यहाँ के लोग बैठते बहुत है। देखो यहाँ चेयर, फिर यहाँ पे भी चेयर, पता नहीं क्या करते ये लोग चेयर का, पता नहीं आगे भी देखो यहाँ पे भी चेयर, इतना बड़ा घर है। एक सेकंड यहाँ पे खाना कौन पका रहा है? अरे अच्छा मतलब फ्रैंकलिन बैठ के यहाँ पे खाना खा रहा था और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। अरे फ्रैंकलिन कहीं के खाना नहीं मिलता क्या तुम्हें? अरे कहाँ हो फ्रैंकलिन? ओ नो पता नहीं कहाँ चला गया, एक काम करते जल्दी से देखते। अरे यहाँ पे कोई अंडा पका रहा है, बट गया तो गया कहाँ सब लोग। अरे फ्रैंकलिन तुम हो क्या यहाँ पे? अरे कोई नहीं है यहाँ पे, एक काम करता हूँ चुपचाप मैं ही जाके सेल्फी ले लेता हूँ और सर जी को दिखाऊंगा, अंदर तो मैं आ गया और सबको दिखाऊंगा लॉस सेंटोस वाले को कि मैं देखो भूत के घर के अंदर गया और फोटो भी खींचा के बाहर आया। चलो जल्दी से फोटो खींच लेता हूँ, चलो बोलो चीज। चलो बोलो चीज। एक सेकेंड ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे बाप रे यहाँ पे तो कोई था, यहाँ पे पक्का कोई था, मतलब ये घर सच में भूतिया है। अरे यहाँ से भागो भागो, फ्रैंकलिन तो हो क्या, फ्रैंकलिन को जल्दी से ढूंढता हूँ, यहाँ से भागता हूँ। अरे तुम हो क्या यहाँ पे कहीं पे भी? ओ नो यहाँ पे तो कोई है, एक सेकेंड कौन है भाई? अरे फ्रैंकलिन तो मिल गए, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे खड़े क्या हो, जल्दी चलो, जलना नहीं है क्या? एक सेकेंड ये से हो क्या गया है? अरे ये तो पूरे तरीके से भूत में कन्वर्ट हो चुका है, फ्रैंकलिन तो भूत बन गया। अरे भागो फ्रैंकलिन तो भूत बन गया, भागो भागो, अरे जल्दी भागो। ही ही ही। इतनी जल्दी क्या है भागने की, अभी तो मैं तुम्हारी कुटाई करना बाकी है, रुको कुटाई करती तुम्हारी, ये लो और खाओ मार, घर के अंदर घुसेगा, मार खाओ पूरे तरीके से, ये लो। आइलो भागो भागो, ये ग्रानी ने तो मुझे मार मार के पूरे तरीके से भूत ही बना दिया। अरे सर जी भागिए जल्दी भागिए भागिए भागिए। एक सेकंड स्पाइडरमैन ये क्या हुलिया बना के रखा है, और मैंने तुमसे कहा था कि फ्रैंकलिन को अंदर जाकर ढूंढो, तुम यहाँ पे भागते भी आ रहे हो, अंदर तुमने क्या देखा? अरे सब चीज खत्म हो गया, सब चीज बर्बाद हो गया, फ्रैंकलिन बता है भूत बन गया और अंदर में एक बहुत ही खतरनाक सी भूतिया ग्रैनी है, वो हमें मार देगी, अरे भागिए जल्दी भागिए। ये क्या तुम फालतू बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर जाके तुम्हें पता नहीं दौरा पड़ चुका है, कैप्टन अमेरिका और हल्क मेरे साथ चलो, हम लोग को अंदर जाके देखना पड़ेगा। अंदर जाके फ्रैंकलिन अकेला पता नहीं क्या कर रहा होगा और इसे यहाँ पे मजाक सूझ रही है। आइला सर जी मत जाइए अंदर मत जाइए, अरे हो सकता है अब भी भूत बन जाए जैसे फ्रैंकलिन बन चुका है, बाप रे बाप कितना खतरनाक था, अरे मत जाइए अंदर मत जाइए। ये स्पाइडरमैन कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा मजाक करता रहता है। चलो यार अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं ये घर में है क्या चीज़।
चलो फाइनली घर के अंदर तो घुस गए। ये घर तो बहुत ही टूटा हुआ है, यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है, और यहाँ पे तो मुझे भूत भी कोई नहीं लग रहा। चलो कैप्टन अमेरिका और हल यहाँ पे जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन को ढूंढना है और जल्दी से यहाँ से निकलना है। ये जगह तो सच में थोड़ा सा हॉन्टेड लग रहा है। चलो यार यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। एक सेकेंड, ये लगता है बेसमेंट का इलाका है, जरूर यहाँ पे कोई ना कोई होगा। बेसमेंट में है क्या कोई? एक सेकेंड, यहाँ पे तो कोई नहीं है। बट यहाँ पे इतने सारे केमिकल्स क्यों रखे हुए? यहाँ पे होता क्या है? ऐसा लगता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। हाँ, मैं नीचे सबको बेहोश करने की दवा बनाती हूँ, तुम भी लो और बेहोश हो जाओ, कैसा लगेगा बेहोशी में? ये लो, मैंने बेहोशी का गैस नीचे डाल दिया, अब यहाँ पे सारे अवेंजर्स भी आ गए और फ्रैंकलिन भी। ही ही ही, मेरा घर पूरे तरीके से कम्प्लीट हो गया। ही ही ही। ये हो क्या रहा है? तुम लोग सब बेहोश कैसे हो गए? ओ नो, ये हवा, ये तो बहुत ही डेंजर है, ये हवा तो सबको बेहोश कर देगी, ये तो मुझे भी बेहोश कर रही है। स्पाइडरमैन जल्दी से बचाओ हमें, यहाँ पे तो सच में कुछ गड़बड़ है। आई ला दोस्तों, अब मैं क्या करूँ? करूँ तो क्या करूँ, सारे अवेंजर्स लोग भी अंदर जाके फंस चुके हैं और यहाँ पे मैं करूँ तो क्या करूँ। एक काम करता हूँ, जल्दी से पहले घर जाता हूँ और घर में जाके सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है वो ग्रैनी ना किसी को भी बाहर निकलने देगी नहीं। अब मैं क्या करूँ, पुलिस को बुला लूँ? पुलिस भी क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो पूरे तरीके से भूत वाला मामला है। पुलिस बोलेंगे यहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं है, तुम लोग क्यों आए? अरे मैं क्या करूँ दोस्तों, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। एक फ्रैंकलिन भी अंदर जाके फंस गया और पता नहीं फ्रैंकलिन किस तरीके का भूत बन चुका है, हर जगह से खून ही निकल रहा था। बापरे, बहुत ही डरावना है। और बाकी सारे अवेंजर्स लोग भी अंदर चले गए। अरे मुझे कोई बचा लो, मतलब कि ये लोग से बचा लो। बापरे बाप, ऐसा तो पूरा सुनसान रास्ता है, मुझे डर लग रहा कहीं भी जाने में। चलो एक काम करता हूँ, जल्दी से घर जाता हूँ, फिर घर जाके सोचूंगा करना है क्या। चलो दोस्तों फाइनली मैं घर तो आ गया, जल्दी से मैं सोचता हूँ मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। एक सेकंड, एक आइडिया है, मेरा एक दोस्त है जो मेरा मदद कर सकता है, जो अभी सोया हुआ है, विजन, उसी जाके मदद मांगता हूँ, वो पक्का कुछ ना कुछ कर देगा। अरे विजन, अब तुम्हारे जागने का टाइम आ चुका है, अब कितना देर तक सोओगे? अरे जाग जाओ भाई साहब, जाग जाओ, जिंदगी भर सोते ही रहोगे क्या? अरे भाई साहब, इसे तो जगाना पड़ेगा। चलो दोस्तों एक काम करता हूँ, जल्दी से इसे जगाता हूँ, उसके बाद दीदी से मदद मांगता हूँ। अरे वाह दोस्तों, देखो फाइनली मेरा दोस्त जग चुका है। विजन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ स्पाइडरमैन, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? अरे मैं क्या बताऊँ, मेरा एक दोस्त है फ्रैंकलिन और सारे अवेंजर्स ना एक बहुत ही भूतिया घर में फंस चुके हैं, और वो भूतिया घर के अंदर ना एक ग्रैनी है जो भूत है, वो सबको भूत बना दे रही है। फ्रैंकलिन को तो भूत बना भी दिया। अच्छा ऐसी बात है, ग्रैनी? हाँ मैं उसे जानता हूँ। एक सेकंड, तुम कैसे जानते हो? हाँ, वो बहुत ही पॉपुलर भूत है, भूत की दुनिया में वो सबसे ताकतवर है। एक सेकंड, भूत का दुनिया भी होता है? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, क्या हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं? हाँ जा तो सकते हो, बट कभी लौट के नहीं आओगे। तो ठीक है, मुझे जाना भी नहीं है। अब ये बताओ ग्रैनी को खत्म कैसे करें? उसे खत्म नहीं कर सकते, बस हाँ उसे पागल कर सकते हैं। मेरे पास एक हथियार है जिससे मैं उसे थोड़े देर के लिए बेहोश कर दूंगा, उसी समय सब लोगों को बाहर निकाल लेना। आइला, हाँ ये आइडिया सही है, चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, जल्दी से बोले घर में जाते हैं। और से भी अवेंजर्स लोग अभी अभी गए थे और बाहर ही नहीं आए, और फ्रैंकली भी अंदर ही है। आ जाओ जल्दी आके बैठो विजन। हाँ बैठ रहा हूँ। आइला देखो विजन, ग्रैनी की वजह से ना कोई रोड में गाड़ी भी नहीं चल रही। क्या फ्रैंकलिन, कॉमन सेंस लगाओ, रात है और रात में सब सोते हैं, गाड़ी नहीं चलाते, कोई ग्रैनी के वजह से नहीं हो रहा। आइला इसने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया वीडियो का। अरे एक बात तो बताओ विजन, अगर तुम दिन भर सोते रहते हो और हमेशा सोते रहते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो मुझे लगेगा, मैं एक रोबोट हूँ, मैं जब ऑफ हो जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं लगता और ऑन हो जाता हूँ तो काम करता रहता हूँ। अरे वाह कितनी कमाल की बात है, तुम थकते भी नहीं होगे? हाँ मैं थकता भी नहीं हूँ, ना मुझे चोट लगता है। इसका मतलब मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ? लेकिन मैं तुम्हें वापस मारूंगा, उसके बाद तुम सहन नहीं कर पाओगे। अरे ये तो धमकी दे रहा है, ठीक है मैं नहीं मारूंगा। चलो चलो जल्दी से ग्रैनी के पास चलते हैं। ये देखो विजन, हम लोग आ चुके हैं, यही है ग्रैनी का घर, जल्दी से चलो अंदर चलो। देखो ये है वो मशीन, ये मशीन से मैं ग्रैनी को बेहोश कर दूंगा। अच्छा वाह, ये मशीन तो अच्छा है, लाओ मुझे भी दो। नहीं नहीं तुम इसे चला नहीं पाओगे, इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। देखा ये मशीन से बहुत खतरनाक रेडियस निकलती है, तुम नहीं चला पाओगे। आइले तुम भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं चला लूंगा। नहीं चला पाओगे। अरे मैं चला लूंगा दो तो। अरे बाबा रे, ये तो बहुत जिद्दी कर रहा है, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो। अरे वाह देखो मैं भी चला लूंगा, देखो देखो देखो। ये क्या किया तुमने, तुमने तो मुझे भी बेहोश कर दिया, अब जाओ अकेले जाके लड़ो। अरे क्या हो गया विजन, अंदर चलो अंदर चलो। अरे विजन तो लगता बेहोश हो गया। हाँ तुमने ये मशीन मेरे ऊपर चला दी,
अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इसी के ऊपर मशीन चला दिया, अब अंदर मुझे ही जाके मशीन चलानी पड़ेगी। चलो चलो अंदर जल्दी से चलता हूँ। अरे बाप रे, ये मशीन से तो मैंने विजन को ही बेहोश कर दिया जो हमें बचाने आया था। चलो कोई नहीं, अंदर जाता हूँ। कोई है अंदर में? कोई है? ग्रानी देखो मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूँ, जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ हो तुम, जल्दी बताओ। एक सेकंड, ये रही। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? ये लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कैसा लगा बताओ, मुझे छोड़ो मत। ये लो, कैसा लगा? बेहोश हो गई ना? ये लो ये लो ये लो, बेहोश होती रहो होती रहो। चलो दोस्तों जल्दी से नीचे जाता हूँ और देखता हूँ नीचे है क्या। एक सेकंड, यहाँ पे तो सारे एवेंजर्स है। अरे आयरन मैन सर जी, आप बेहोश नहीं हुए? मेरे सूट के अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन था जिसके वजह से मैं सांस ले रहा था, तुम फाइनली बचाने के लिए आ गए। यहाँ पे सच में भूत है और ये जगह बहुत ही खतरनाक है। अरे मैं तो तब से कह रहा था, अब जल्दी से ये लोग दोनों को उठाइए और चलिए। आइला चलिए चलिए जल्दी चलिए, हम लोग को फ्रैंकलिन को भी बचाना पड़ेगा, जल्दी से चलना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये ग्रैनी ना फिर से उड़ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये ले ग्रैनी, बेहोश हो जा। चलो यार जल्दी से जाता हूँ और फ्रैंकलिन को भी जल्दी से अपने पास ही ले लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आयला लगता है मुझे ये फ्रैंकलिन ही है, बट बाहर से ये भूत बन चुका है। फ्रैंकलिन हमारा पीछा करो और जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, ये घर तो बहुत ही भूतिया है। चलो चलो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। अरे तुम लोग भी बाहर आ जाओ, अरे जल्दी बाहर आ जाओ। फाइनली दोस्तों सुबह हो चुका है। एक सेकंड स्पाइडरमैन, ये विजन यहाँ पे लेटा पड़ा क्या है? आयला वो ये गन लेके आया था ग्रैनी को बेहोश करने के लिए, बट मैंने ही उसे बेहोश कर दिया। ये क्या क्या, तुमने एक रोबोट को बेहोश कर दिया? क्या पागल हो स्पाइडरमैन। आयला मैं क्या करूँ, गलती से हो गया। अरे यार ये ग्रैनी ने मुझे तो भूत बना दिया, अब मैं क्या करूँ? अरे फ्रैंकलिन तुम होश में आ गए? अरे हाँ मैं होश में आ गया थोड़ी देर बाद, भाई साहब इसने तो मुझे सच में भूत ही बना दिया। अब गाइजर पता नहीं मैं कब ठीक होगा, बट फाइनल यार हम लोग ग्रैनी से बच चुके हैं। ये घर तो बहुत ही भूतिया था और भाई ये घर अभी भी है और ग्रैनी बस बेहोश हुई है, ये जिंदा भी हो सकती है, पता नहीं यार अब क्या ही होगा समझ नहीं आ रहा। लेकिन गाइस यार फाइनली यार हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब यार पता नहीं ग्रैनी का क्या होगा। ग्रैनी तुम्हारा बदला मैं लेके रहूंगा, वो अवेंजर्स और फ्रैंकलिन को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी ग्रैनी को पागल कर दिया और बेहोश कर दिया, मैं उसे वो छोड़ूंगा नहीं, वो लोगों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगा। सो गाइस यार नीचे कमेंट करके बता रहे कि आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पर रोजाना इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। ओके गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।